हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंस फोटोग्राफी। फ्रेंड्स, आज हम ब्रश ट्रांजेक्शन, जी हाँ दोस्तों, ब्रश ट्रांजेक्शन हम आज इसमें बनाना सीखेंगे। तो मैं अपना एडोब प्रीमियर प्रो इसे ओपन कर लेता हूँ। मैंने ये मेरा एडोब प्रीमियर प्रो ओपन कर लिया है और इसमें हम आज ब्रश ट्रांजेक्शन बनाना सीखेंगे कि ब्रश ट्रांजेक्शन कैसे बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ से मेरा ये जो प्रोजेक्ट है, मैं इसे यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो ये मैंने ऑलरेडी कुछ बनाए हुए हैं, मैं आपको बता देता हूँ उनको कैसे वर्क करते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑलरेडी मैंने कुछ प्रीसेट बनाए हुए हैं, तो मैं आपको इनको शो कर देता हूं। तो यहां से देख लीजिए आप, मैं यहां से प्ले करके इनको दिखाता हूं। तो ये देखिए, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार हैं और अपने वीडियो को ये सिनेमैटिक लुक देने में बहुत ही बढ़िया काम करेंगे। जी दोस्तों, बिल्कुल आज इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। आप देख लीजिए इनको, बहुत ही शानदार और बहुत ही बढ़िया ये वर्क करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं इसको बताता हूँ इसको कैसे हम इसमें एडोब प्रीमियर प्रो में किस प्रकार से हम इसे बनाएंगे। तो अगर ये चाहिए तो इसका डाउनलोड जो लिंक है अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब इसको स्टार्ट करते हैं कि इसको हम रेडी कैसे करेंगे। मैं यहाँ से इनको हटा देता हूँ और मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ये मैं कुछ फ़ोटोज़ ले लेता हूँ मैं यहाँ से। तो मैंने ये फ़ोटोज़ यहाँ पे लेके इस पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। यहाँ से मैं ये यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ और कुछ जो अपने पास में वो ट्रांजेक्शन है तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैं ये फ़ोटोज़ मैंने यहाँ से इम्पोर्ट कर लिए हैं। इम्पोर्ट करने के और भी हैं, मैं यहाँ से डबल क्लिक करूँगा तो जहाँ पे अपना रखा हुआ है वहाँ से हम इसे इम्पोर्ट कर लेंगे। तो आप कर लीजिएगा, ठीक है, मैंने ऑलरेडी कर रखे हैं। तो मैं यहाँ से इनको थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब कैसे किस प्रकार से हम बनाएंगे यहाँ पे, तो मान लीजिए मेरे को इसी के ऊपर वर्क करना है और ये कि फ़ोटो हो गया है, ये हो गया है, ये ले लेता हूँ मैं इसके ऊपर। ठीक है, मैं अब इसके ऊपर बनाता हूँ और मेरे पास ये है तो मैं इसको यहाँ से लगा देता हूँ, और अब दोस्तों क्या करना है, अपने को इफ़ेक्ट में जाना है। इफ़ेक्ट आ गया है, इफ़ेक्ट के बाद में अब क्या करना है, प्रीसेट के यहाँ पे लिखना है ट्रैक मैट। ओके, ट्रैक मैट की ये लीजिए, मैंने यहाँ पे ये कर दिया है और इसको उठा के अपने को दूसरे वाले वीडियो के ऊपर रखना है। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको फ़ोटोज़ का एग्जांपल दे रहा हूँ, आप वीडियो पे फ़ोटोज़ पे आप लगा सकते हो, ट्रांजेक्शन का बिल्कुल बहुत ही शानदार काम करेगा। और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अपने, देखो यहाँ पे अगर ऐसा होगा तो आप कंट्रोल पैनल पर यहाँ पर आ जाओगे। ठीक है, यहाँ पर जो अपनी ट्रैक मैट की है इसके ऊपर देखना, यहाँ पे जैसे अपन यहाँ देखो यहाँ पे क्या है, मैट अल्फ़ा, तो हम इसको चेंज करेंगे यहाँ पे मैट अल्फ़ा को, यहाँ पे मैं लूमा कर देता हूँ। और जो अपना ये तीसरे नंबर का वीडियो है इसको अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ये नाउन है तो यहाँ पे तीसरा वीडियो हम सेलेक्ट कर देंगे और अपना काम हो गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे अपना काम हो चुका है, ये देखिए बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार है। तो मैं इसको अभी यहाँ से रेड आ रहा है ऑप्शन अपना को, इसको मैं ग्रीन कर लेता हूँ। तो मैं इंटर मार के इसे यहाँ से कर देता हूँ। तो ये अब मैं इसको, तो इसको मैं बड़ा करके दिखाता हूँ मैं आपको, ये देख लीजिए बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है, ये अपना ब्रश जो ट्रांजेक्शन हमने रेडी किया है बहुत ही शानदार से काम कर रहा है। ये आप यहाँ पे लगा सकते हो इस तरह से। ठीक है, अब मैं इस वाले पे भी मैं वर्क कर रहा हूँ, देख लीजिए। अब मैं यहाँ से फिर से ले रहा हूँ मेरा ये जो ब्रश है, मैं यहाँ से उठाता हूँ इनको, ठीक, और इनकी थोड़ी सी मैं
इसके बराबर कर देता हूँ 30, ठीक है। और ये हो गया है, फिर वापस हमको यहाँ पे जाना है इफेक्ट के अंदर, ये ट्रैकमेट की है, इसको उठा के हमें यहाँ से इसको दूसरे नंबर वाले पे डालना है, और यहाँ पे अपने को लूमा और यहाँ से करना है ये वाला, ये अपना रेडी हो चुका है दोस्तों। ये एक फोटोस है तो थोड़ा सा छोटा है, तो इसे हम बड़ा करेंगे, इसे जूम आउट करेंगे। आप किस प्रकार से करना है तो यहाँ पे स्केल पे आएंगे, ये चीज़ें हैं, ये वाला तो नहीं है, ये वाला है तीसरे नंबर का, तो मैं इसको यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ, ये देख लीजिए। और ये जो दूसरे नंबर का है मैं इसको भी यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, तो ठीक है। और मैं इसको यहाँ से आई और ये यहाँ से वो कर देता हूँ, मैं यहाँ से वो कर देता हूँ और इंटर मार देता हूँ यहाँ पे। तो ये अपना ये यहाँ पे ये हो चुका है, मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ, ये देख लीजिए, सॉरी ये देख लीजिए, हाँ सॉरी, ये यहाँ पे मैं इसको आपको वापस प्ले करता हूँ। देख बहुत ही बढ़िया है इफ़ेक्ट आया है यहाँ पे, आप इस प्रकार से बना सकते हो और इसी प्रकार से आप इस पर भी काम कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। और मैं इस पर तीसरा वाला भी बना के आपको बताने वाला हूँ। और मैंने ये रेडी कर दिया है, अपने इस पर आएंगे, इस पर वो जो अपना ब्रश है मैं यहाँ से ले लूँगा, तो मैं यहाँ से लेने के बाद में इसकी स्पीड जो है थोड़ी सी मैं बढ़ा दूँ या कम कर दूँगा, यहाँ से 30 कर दूँगा मैं, तो ये अपना 30 हो चुका है, ठीक है। और इसको भी यहाँ से मैं बड़ा कर देता हूँ, ये हो चुका है। और इस पे अपने को इफ़ेक्ट में जाना है वापस, और यहाँ से ट्रैकमेट की को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है दूसरे वाले वीडियो के ऊपर, ओके। यहाँ ट्रैकमेट की पे लूमा और यहाँ पे वीडियो को सेलेक्ट करना है, और इसके बाद में ये हो जाता है, और इसके बाद में मैं यहाँ से इंटर मार देता हूँ, तो देख लीजिए बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार इफ़ेक्ट आने वाला है इसके ऊपर, देखिए आप यहाँ से, ये एक मिनट, इस पे ये वाला छोटा है शायद, हाँ मैं इसको बढ़ा देता हूँ, ठीक है। और इसको भी मैं यहाँ से स्केल करके थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ये लो। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।